तो क्या 30 अप्रैल को कयामत आने वाली है? 8 दिन का वक्त और बचा है और काउंटडाउन लगातार हम दिखा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब और विध्वंसक होने ही वाली है, क्योंकि यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल को सफल बनाने के लिए जर्मनी में बहुत बड़ी बैठक हो रही है। उधर पुतिन ने भी यूक्रेन को तबाह करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने ऑपरेशन मिराज तैयार किया है। उधर रूस के शहर बेलगोरोद में बमबारी हुई है। ये बमबारी किसने की आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल पर जर्मनी में बैठक होने वाली है। नेटो समेत 40 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्रियों की ये बैठक है। दुनिया की निगाहें इस बैठक पर होंगी। यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देने को लेकर चर्चा हो रही है। यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल के लिए वेपन देने पर चर्चा होगी। 30 अप्रैल को रूस पर यूक्रेन के बड़े हमले की भी आशंका है। और इस बीच अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर का इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहना आपको सुनवाते हैं। Ladies and gentlemen, more than a year later, Ukraine is still standing strong. And our support has not wavered. And I'm proud of the progress that we have made together. तो टीवी 9 आपके सामने वो काउंटडाउन रख रहा है। ऑपरेशन 30 अप्रैल क्या है और यूक्रेन के साथ कितने देश हैं? 40 देश हैं। आइए बिग बॉल के जरिए बिग डिटेल्स आपको बताते हैं कैसे कयामत आने वाली है 30 अप्रैल को। यूक्रेन के साथ क्या 40 देश हैं? जर्मनी में नेटो समेत 40 से ज्यादा देशों की ये बैठक होने वाली है। इसके अलावा सभी देशों के रक्षा मंत्री बैठक में शिरकत करने वाले हैं, सभी देशों के रक्षा मंत्री। और जर्मनी में ये बड़ी बैठक होगी जो नेटो की बड़ी बैठक है, जिसमें हथियार देने पर यूक्रेन पर आगे रणनीति बनाई जा सकती है। जंग के लिए यूक्रेन को हथियारों का जखीरा पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन उसकी मदद कैसे आगे बढ़ाई जाए इस पर चर्चा होगी। सभी देशों ने एक सुर में यूक्रेन की मदद का समर्थन दिया। और आपको बता दें कि रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी भी यूक्रेन कर रहा है, वो रणनीति भी बना रहा है। इसके अलावा जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि 30 अप्रैल को रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन है। तो यूक्रेन इस ताक पर है कि रूस पर हमला किया जाए, लेकिन रूस इस ताक पर है कि यूक्रेन को तबाह कर दिया जाए। और इस बीच आपको अब यूक्रेन सबसे पहले उन इलाकों पर हमला करेगा, कहां कहां अटैक करेगा इस पर जानकारी देते हैं, जिन पर रूस ने कब्जा किया है। ऐसे आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जिन पर यूक्रेन अटैक करेगा, जहां सबसे पहले यूक्रेन की मिसाइल जो है वो गिरेगी, कहां हमला कर सकता है यूक्रेन। ये देखिए मैप आपको दिख रहा है, और इस मैप के जरिए डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जयपुरिजिया, ये 4 इलाके हैं जहां पर यूक्रेन अपने मिसाइल अटैक, मिसाइल दागने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ये 4 इलाके जहां पर रूस पूरी कोशिश करता है कि ये पूरा इलाका उसका है, रूस का है। अब 30 अप्रैल की विनाशक तैयारी हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध का ट्रिगर बन चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के मित्र देशों पर सबसे बड़ा एटमी प्रहार करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नॉर्थ सी में रूस की सीक्रेट फोर्स सहित सबमरीन तैनात हो चुकी है। पुतिन ने बॉम्बर सबमरीन और शिप तैनात कर रखे हैं। देखिए नॉर्डिक रीजन में रूस का असली टारगेट क्या है। महासागर में एटमी महामोर्चा तैयार हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऑपरेशन एंटी नेटो शुरू कर दिया है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन का टारगेट है यूरोप में नॉर्डिक के 5 देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। अमेरिका के सहयोगी इन देशों में से एक स्वीडन ही ऐसा है जो अब तक नेटो से नहीं जुड़ा है, लेकिन जल्द ही जुड़ने वाला है। रूस की सीमा से सटा फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है और अगला नंबर स्वीडन का है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्वीडन को जल्द नेटो में शामिल करने का मिशन तेज कर दिया है। ऑस्टिन ने तुर्की और हंगरी से अपील की है कि दोनों देश स्वीडन के नेटो सदस्यता आवेदन को जल्दी मंजूरी दें। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि जुलाई के महीने तक स्वीडन को भी नेटो में शामिल कर लिया जाएगा। फिनलैंड पहले ही नेटो में शामिल होकर रूस के लिए खतरा बन चुका है और स्वीडन के नेटो में शामिल होते ही आर्कटिक रीजन के करीब नॉर्डिक देशों में अमेरिका बहुत मजबूत हो जाएगा। नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों देश नेटो संगठन का हिस्सा हैं। स्वीडन के शामिल होते ही उत्तर पश्चिमी फ्रंट से रूस की घेराबंदी हो जाएगी और आर्कटिक क्षेत्र से रूस को सीधी चुनौती होगी। नेटो के विस्तार को रोकने के लिए पुतिन ने एक साथ 3 मोर्चों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहला मोर्चा नॉर्थ सी में फिशिंग शिप के नाम पर जासूसी जहाज उतार कर तैयार किया गया है। इन जहाजों के साथ रूस की सबमरीन भी दूसरे मोर्चे पर उत्तर सागर में मौजूद है। तीसरे मोर्चे पर रूस ने अपने सुखोई फाइटर जेट और टीयू न्यूक्लियर बॉम्बर फिनलैंड के नजदीक नोवाया जेमलिया एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। ये है नॉर्थ सी में मंडराता रूस का घोस्ट शिप, यानी एडमिरल व्लादिमिर्स्क नाम के इस शिप को फिशिंग फिश की शक्ल देकर नॉर्थ सी में उतारा गया है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और है। इस जहाज पर असॉल्ट राइफल के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इस जहाज पर बड़े बड़े कम्युनिकेशन एंटेना नजर आ रहे हैं। डेनमार्क की मरीन पुलिस ने इस जहाज को नॉर्थ सी में इंटरसेप्ट किया है। यह जहाज कई दिन से नॉर्डिक देशों के पास मंडरा रहा है। स्वीडन ने भी अपने नेवल शिप इस जहाज की निगरानी के लिए नॉर्थ सी में उतार दिए हैं। इस घोस्ट शिप के साथ साथ नॉर्थ सी में रूस की सबमरीन भी गश्त लगा रही है। यह है रूस का तीसरा मोर्चा, यानी आसमान से न्यूक्लियर बम बरसाने वाले फाइटर जेट और बॉम्बर। रूस ने नोवाया जेमलिया एयरबेस पर इनको तैनात कर दिया है।
रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के नजदीक नोवोया जेमेलिया एयरबेस को अपग्रेड किया है। कारा सी के एक द्वीप पर यह एयरबेस है। इसके रनवे की लंबाई बढ़ाई गई है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर के लिए हैंगर बनाए गए हैं। यहाँ अब मिग 31, SU 33 और TU 95 MS बॉम्बर लैंड किए जा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन के पास पुतिन की तिहरी तैनाती एक खास रणनीति के तहत की गई। जासूसी करने वाले शिप, सबमरीन और न्यूक्लियर बॉम्बर नॉर्डिक रीजन में क्यों तैनात किए गए, ये समझिए। रूस का जासूसी करने वाला जहाज नॉर्डिक देशों से समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जासूसी कर रहा है। रूस नॉर्थ सी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप बना रहा है। नॉर्थ सी के तल पर पांचों देशों के इंटरनेट केबल हैं। ब्रिटेन और नॉर्वे के विंड एनर्जी फार्म हैं। रूस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अगर रूस वेस्टर्न ब्लॉक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है तो सीधा युद्ध छिड़ने का खतरा है। इसीलिए रूस ने अपनी सबमरीन नॉर्थ सी में तैनात कर दी है। जंग की सूरत में दूसरे मोर्चे पर तैनात सबमरीन और तीसरे मोर्चे पर तैनात न्यूक्लियर बॉम्बर से नॉर्डिक देशों पर सीधे अटैक कर दिया जाएगा। नॉर्डिक के पांचों देशों पर मिसाइलें बरसने लगेंगी। पुतिन के ऑपरेशन नॉर्डिक को 30 अप्रैल को होने वाले यूक्रेन के सबसे बड़े ऑपरेशन का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन का प्लान है 30 अप्रैल को रूस पर स्प्रिंग ऑफेंस ऑपरेशन के तहत सबसे बड़ा हमला करना। अगर नेटो के इशारे पर यूक्रेन ने यह हमला किया तो पुतिन एक साथ नॉर्डिक रीजन के 4 नेटो देशों सहित स्वीडन पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक ब्रेकिंग खबर है, रूस और साउथ कोरिया के बीच भीषण टेंशन हो रही है। रूस ने दक्षिण कोरिया को यूक्रेन से दूर रहने की धमकी दी है। दक्षिण कोरिया के यूक्रेन को वेपन देने के ऐलान से नाराजगी है। दिमित्री मेदवेदेव की साउथ कोरिया को चेतावनी सामने आई है। रूस उत्तर कोरिया को एडवांस वेपन देगा, मेदवेदेव का कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रूस ने दक्षिण कोरिया को धमकी दी है, दूर रहने की धमकी दी गई है। यूक्रेन से दूर रहे दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है वो रूस को अच्छा नहीं लग रहा है। रूस को इतना नागवार गुजरा है कि जो सुरक्षा काउंसिल के प्रमुख हैं दिमित्री मेदवेदेव, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रूस के, उन्होंने धमकाया है और दक्षिण कोरिया को साफ लहजों में कहा है कि यूक्रेन से दूरी बनाकर रखिए। तो अब ये जो पोजीशन सामने आई है यूक्रेन पर, रूस वर्सेस दक्षिण कोरिया, आइए आपको बताते हैं इसके डिटेल्स। साउथ कोरिया रूस जंग में यूक्रेन के साथ, यूक्रेन से दूर रहे दक्षिण कोरिया, मानवीयता के आधार पर मदद, यूक्रेन की मदद करने वाले हमारे दुश्मन। ये देखिए दो तस्वीरें आपको बता रहे हैं किसने क्या कहा है। साउथ कोरिया कह रहा है कि यूक्रेन को हथियार देंगे, तो रूस कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया को एडवांस वेपन देंगे। अब ये लड़ाई और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। वित्तीय सहायता पर भी विचार हो रहा है, साउथ कोरिया कह रहे हैं। दक्षिण कोरिया का कदम दुर्भाग्यपूर्ण है, दक्षिण कोरिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, रूस कह रहे हैं दिमित्री मेदवेदेव। और ये जो है तनातनी, वो दोनों देशों के बीच में उभर कर सामने आई है। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तो वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग के नए मैदान भी तैयार हो चुके हैं। विध्वंसक हथियारों की जबरदस्त नुमाइश की जा रही है।
भीषण तरीके से बम, गोला और बारूद बरसाया जा रहा है। मगर इस बीच बीते कुछ दिनों से जिस तरह से ताकतवर मुल्कों ने मिसाइल ट्रेलर दिखाया है वो चौंकाने वाला है। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है ठीक उसी तरह साल 2023 में दुनिया पर महाजंग का खतरा मंडराने लगा है। और अब तो ये संकट पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है क्योंकि मौजूदा वक्त में दर्जनों मुल्क ऐसे हैं जो खुद को किसी भी वक्त जंग में झोंक सकते हैं, किसी भी वक्त दुश्मन मुल्क पर विध्वंसक प्रहार कर सकते हैं। और जानते हैं इस आशंका के पीछे की वजह क्या है, ताकतवर देशों का डेडली मिसाइल ट्रेलर। दुनिया के अलग अलग वॉर फ्रंट पर रूस, चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने अपने जंगी खाने में मौजूद ब्रह्मास्त्र का टेस्ट किया, जबकि कुछ ताकतवर देश ऐसे भी हैं जो आने वाले चंद घंटों या फिर चंद रोज में अपने किलर मिसाइलों का टेस्ट करने वाले। मसलन डेडली मिसाइल ट्रेलर 1, अमेरिका ने एलजीएम 30 मिनटमैन 3 आईसीबीएम का टेस्ट किया। डेडली मिसाइल ट्रेलर 2, रूस ने पैसिफिक सी में P-270 मॉस्किट मिसाइल फायर की। डेडली मिसाइल ट्रेलर 3, रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए ग्रेनेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी। डेडली मिसाइल ट्रेलर 4, चीन ने समंदर में TF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। डेडली मिसाइल ट्रेलर 5, चीन ने टाइप 096 सबमरीन से GL-3 ICBM का टेस्ट किया। डेडली मिसाइल ट्रेलर 6, फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए M-51 SLBM फायर की। डेडली मिसाइल ट्रेलर 7, नॉर्थ अमेरिकी देश कनाडा भी जल्द ही मिसाइल टेस्ट करने वाला है। कोई वॉरशिप किलर है तो किसी की वॉर जोन में एंट्री ही थ्रिलर है। कोई डिफेंस सिस्टम युद्ध पोतों और सैन्य अड्डों को तबाह कर सकती है तो कोई अपने एक प्रहार से दुश्मन का संहार कर सकती है। किसी की ताकत एटमी हमले की है तो कोई अपनी मारक क्षमता से दुश्मन के होश फाख्ता कर देती है। यकीन मानिए शक्तिशाली देशों के मिसाइल पावर से टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये अग्निपार दागे नहीं जा सकते, इनसे विस्फोटक कोहराम मचाया नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही सुपर पावर कंट्री के बीच किलर मिसाइलों के टेस्ट की होड़ क्यों मची है? क्यों रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क वॉर जोन में अपने घातक ब्रह्मास्त्रों का टेस्ट कर रहे हैं? आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में जो भी मिसाइल ट्रेलर दुनिया के सामने आया है उसका मकसद है अपने दुश्मन को चेताना, क्लियर मैसेज देना कि अगर हमारे इलाके में घुसने की हिमाकत की, अगर हमें उकसाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा नहीं बल्कि बेहद भयावह होगा।
दरअसल जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध आकार ले रहा है, जिस तरह इस जंग के चलते दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है, उससे ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन वॉर में और भी मुल्क शामिल हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले दो विश्व युद्धों में हुआ। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका, महाबली रूस और शातिर चीन जैसे ताकतवर मोहरे मिसाइल ट्रेलर के जरिए अपने विनाशकों की नुमाइश कर चुके हैं और अब इस जंगी बरसात में नेटो कंट्री भी अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2023 में महाजंग हो सकती है, क्योंकि हर मुल्क अपने दुश्मन से आर पार के मूड में है। जहां एक तरफ मिसाइलों के ताबड़तोड़ टेस्ट किए जा रहे हैं, तो वहीं हर मुल्क ने अपनी सेनाओं को वॉर फ्रंट में झोंक रखा है। जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर में विध्वंसक लड़ाकों को उतारा गया है। वॉरशिप, लड़ाकू विमान और बॉम्बर तबाही मचाने के लिए सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर मिला, प्रचंड एटमी युद्ध का आगाज हो जाएगा, वो भी विस्फोटक अंदाज में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक बड़ी खबर आ रही है, रशियन टैंक T-90 MBT पर यूक्रेनी सेना का अटैक, एंटी टैंक वेपन से रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह रूसी टैंक को तबाह किया है। इस गोल घेरे में तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एंटी टैंक वेपन से रूसी टैंक को ध्वस्त किया गया है। और वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। एक और बड़ी खबर, रूसी टैंक T-90 पर यूक्रेनी सेना का हमला, यूक्रेनी सेना ने जेवलिन से रूसी टैंक को तबाह किया है। एक और बड़ी खबर है, बेलगोरोद में रूसी पायलट ने अपने ही शहर पर बरसाए बम, रूसी SU-34 बॉम्बर से गिरा गोला बारूद, बैटल जोन में जाते हुए अपने ही जमीन पर गिराए बम। रूस का दावा है कि यह हादसा था जो गलती से हुआ, धमाके से पहले सुनाई दी सायरन की आवाज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेलगोरोद में जो कुछ हुआ है वो यकीनन चौंकाने वाला है। आइए इस घटना से जुड़े हर फैक्ट से आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर बेलगोरोद में हो क्या रहा है और रूस का क्या ये सेल्फ गोल है। ये देखिए, रूसी SU-34 बॉम्बर यूक्रेनी बैटल जोन में जा रहा था, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और रूस के बेलगोरोद के ऊपर जेट से गोला बारूद गिरा। क्या ये रूस का सेल्फ गोल है? जेट पायलट ने अपने ही शहर पर हथियार फायर किया, ये भी बताया जा रहा है, अपने ही शहर पर। पायलट भी रूस का था लेकिन वहीं पर ही हथियार गिराए। घटना वाली जगह पर 60 फीट गहरा गड्ढा भी बन गया। बेलगोरोद रूस में है। अब रूस का दावा है ये एक एक्सीडेंट था, जांच जारी है। तो ये एक्सीडेंट था या वाकई कुछ और था? अब देखिए, रात 10:15 की घटना है, कई बिल्डिंग्स एक साथ ध्वस्त हो गई, दो महिलाएं भी घायल हुई हैं, ये जो पूरी घटना हुई है इसमें, और कई गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। ये देखिए आपको तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि धमाका कितना जोरदार था। ये देखिए बेलगोरोद में ये धमाका कितना ज्यादा जोरदार था, ये तस्वीरें बता रही हैं। गोल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि क्या ये रूस का सेल्फ गोल था, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल एक और बड़ी खबर, बेलगोरोद में हुए धमाके पर कयासों का दौर भी जारी है। धमाके में यूक्रेनी साजिश की भी आशंका है। बेलगोरोद में पहले यूक्रेन कर चुका है कई हमले। यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास है रूस का बेलगोरोद। और आइए अब मैप के जरिए आपको बेलगोरोद की लोकेशन के बारे में बताते हैं, कितना नजदीक है ये यूक्रेन से, और समझते हैं कि क्यों इस घटना में यूक्रेन का हाथ होने की आशंका भी सामने आ रही है। अब ये देखिए, ये आप मैप देख रहे हैं,
और इसमें बेलगोरोद है, बेलगोरोव इधर है, देखिए खार्किव के कितना पास है, ये है बेलगोरोद, यानी ये बॉर्डर का जो एरिया है, ये देखिए ये बॉर्डर है, ये बेलगोरोद है, ये खार्किव है और ये रूस है, ये लुहानस्क है, ये डोनेस्क है, मारियोपोल, और ये जो पूरी सीमा कनेक्ट करती है ये यहाँ पर है बेलगोरोद। और आपको बता दें कि यूक्रेन की सीमा से 40 किलोमीटर दूर है ये बेलगोरोद, ये 40 किलोमीटर का फासला है। लोकेशन यूक्रेन के खार्किव के ठीक उत्तर में है, ये देखिए खार्किव के उत्तर में। इसकी आबादी जो बताई जाती है बेलगोरोद की, वो 3.5 लाख से ऊपर की आबादी बताई जाती है ये बेलगोरोद। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने यहाँ कई हमले किए हैं, पहले यूक्रेन कर चुका है इस तरह के हमले, लेकिन इसीलिए भी और आशंका बढ़ गई है। ये शहर लगातार यूक्रेन के टारगेट पर रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन यहाँ पर हमला कर सकता है, हो सकता है ये रूस का सेल्फ गोल नहीं हो, आशंकाओं के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। अब बेलगोरोद यूक्रेन का टारगेट नंबर 1 है। एक और जानकारी आपको दे दें, यूक्रेन जाते हुए जेट अक्सर शहर के ऊपर से गुजरते हैं, ये बेलगोरोद के ऊपर से। इसके अलावा खास बात ये है अब जो टारगेट नंबर 1 है, जैसा कि हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ टारगेट पर रहा है यूक्रेन का, और यूक्रेन जाते हुए जेट अक्सर शहर के ऊपर से गुजर, बेलगोरोद जिस लोकेशन पर है वो बहुत सेंसिटिव है यूक्रेन के खार्किव। अब आपको 5 संभावनाओं पर गौर करते हैं, नजर डालते हैं जो बेलगोरोद की घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ये देखिए ये 5 संभावित थ्योरीज हैं जो सामने आई हैं इस अटैक के बाद। रूसी पायलट का मिस कैलकुलेशन, ये हो सकता है, ये 5 संभावनाएं हैं। पहली संभावना, ये एक मिस कैलकुलेशन रूसी पायलट का हो सकता है। दूसरी संभावना, रूसी पायलट की बगावत हो सकती है, अपने अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए रूसी पायलट की बगावत हो सकती है। तीसरी बड़ी बात, जेट से सामान्य एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये जो संभावनाएं हैं उनको हम टटोल रहे हैं। चौथी बड़ी संभावना, यूक्रेन की जमीन से अटैक किया जा सकता है। और पांचवी बड़ी संभावना, पश्चिम की कोई साजिश इसमें हो सकती है। तो ये 5 बड़ी संभावनाएं हैं जो कि निकलकर सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की 59वीं मोटराइज ब्रिगेड का एक्शन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेनी हमले में रूसी BMP इन्फेंट्री व्हीकल तबाह हो गया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का ड्रोन से जबरदस्त हमला। रूसी हमले में यूक्रेनी काउंटर आर्टिलरी रडार तबाह हो गया। ANTPQ-37 काउंटर आर्टिलरी रडार को रूस ने तबाह किया। रूस की तरफ से हमले का वीडियो आया सामने।